हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी पैरामेडिकल की पैरामेडिकल में हमें मोपअप राउंड में ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर पैरामेडिकल की मोपअप राउंड में कोई उम्मीद हमें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या फिर पैरामेडिकल में मोपअप के लिए हमें ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हो जाएगा सीट वैकेंट, बचेंगी नहीं बचेंगी। तो ये सभी डाउट्स जो है इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलो डिस्कस करते हैं पैरामेडिकल के रिगार्डिंग। तो बात कर लेते हैं कि पैरामेडिकल के सीट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। तो पैरामेडिकल में ऑलरेडी जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफ़ी कम रहता है, सीट्स जो रहेंगी वो काफ़ी यहाँ पर कम रहने वाली है। जैसे कि पर्टिकुलर तुम कोर्स की देखोगे पैरामेडिकल में तो जो हमें सीट्स देखने को मिलेंगे 6 यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 सीट भी होती हैं, किसी किसी में 17 सीट भी हैं। तो काफ़ी कम यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है देखने को मिला। तो इतनी कम नंबर ऑफ सीट में जो है यहाँ पर हमें वैकेंट सीट फाइंड करना भी काफ़ी कम यहाँ पर हो जाएंगे। तो जैसे कि तुमने सेकंड राउंड में देखा कि काफ़ी कम नंबर ऑफ सीट जो है वैकेंट थी, ऑलमोस्ट 2 सीट वैकेंट थी सब कॉलेज में। एक दो कोर्स हैं जिनमें जो है ज़्यादा नंबर ऑफ सीट हमें वैकेंट देखने को मिल गई थी। तो बात करें मोपअप राउंड में, तो मोपअप राउंड में जो है बहुत ज़्यादा कम रेयर चांसेस रहेंगे सीट्स के वैकेंट रहने के। तो सीट्स वैकेंट नहीं रहेंगे बिकॉज सीट डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा है कि सीट इतनी ज़्यादा कम है कि सीट वैकेंट रहने का कोई मतलब नहीं है। कि जैसे कि अपने 2 राउंड्स अभी हो चुके हैं तो सीट वैकेंट नहीं बचेगी। तो जब सीट वैकेंट नहीं बचने वाली है तो हम कैसे जो है उसके लिए ट्राई करें? तो सीट वैकेंट बचेगी ही नहीं, तो तुम उस पर एडमिशन कैसे लोगे? तुम उस पर एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो पैरामेडिकल के लिए मोपअप राउंड में उम्मीद रखना तो मैं बोलूँगी कि इट्स नॉट अ गुड थिंग कि तुम इसके लिए उम्मीद रख रहे हो, बट जस्ट तुम अप्लाई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि अगर कोई सीट बची तो तुम्हें मिल सकती है 1% अगर बचती भी है तो उसके लिए जो कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चली जाएगी अगर कोई सीट बचती भी है तो, और बाकी काफ़ी ज़्यादा रेयर चांसेस रहेंगे कि सीट यहाँ पर वैकेंट बच जाए, सीट यहाँ पर खाली बच जाए। तो यही बात है, यही यहाँ पर रहने वाला है कि इतनी कम नंबर ऑफ सीट है तो लास्ट राउंड के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर सीट जो है नहीं बचने वाली है। तुम देखोगे कि ऑलमोस्ट कोर्स में तो सीट ही नहीं बचेंगी, और एक दो कोर्स में जिसमें यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर सीट्स हमें देखने को मिल जाएंगे MLT वगैरह में, तो उसमें जो है हमें सीट जो है देखने को मिल जाएंगी एक दो खाली, वो भी ओपन कैटेगरी की भी नहीं होंगी, अदर कैटेगरी की होंगी। तो यही है कि तुम्हें मोपअप राउंड से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी पैरामेडिकल में अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो, बिकॉज यहाँ पर मोपअप राउंड में कोई भी चांसेस तुम्हारे नहीं बन रहे। फिर भी अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो तो तुम अप्लाई कर सकते हो, दैट्स गुड। तुम अप्लाई करने में कोई भी यहाँ पर अपने को दिक्कत नहीं आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स एकदम से कहीं से आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है तुम्हें इतनी ज़्यादा उम्मीद जो है पैरामेडिकल के लिए मोपअप राउंड के लिए नहीं रखनी चाहिए। तो वीडियो में अगर अच्छी लगी हो कोई बात तो वीडियो को लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।